हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। सो गाइज, इस व्लॉग में हम आपके साथ करने वाले हैं बिग बॉस एंजॉय। या ऑफ कोर्स सभी जानते हैं हम बिग बॉस देख ही क्यों रहे हैं। काफी एंजॉय हम करने वाले हैं वहाँ, काफी सारी फनी वीडियोस हो रही हैं। सो होने वाली तो थी ऑब्वियसली बात है कि वहाँ कौन है, बिग बॉस में कौन गया हुआ है आखिर? एलविश। वैसे मजे तो उसी की वजह से आ रहे हैं, क्या रिप्लाई देता है वो सभी को, ऐसे रिप्लाई तो बनते हैं सभी को। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। अब हम अरे इधर आके काट दूंगी मैं, वहां जा रहा मतलब आप इस चीज से बचने के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं? हाँ। क्यों? सिस्टम है इसका मतलब हम ये जो इसमें है, क्या नाम है इसका? ये तोतली सी बोलती है ना, हाँ है। पता नहीं कैसे बोल सिस्टम है। सही बात है, सिस्टम तो है। सिस्टम है, इसको समझ में आएगा। सिस्टम है ला 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 एक बहुत बढ़िया अभिषेक है। मनीषा जी ये क्या है, ये क्या है? क्या है वही? तो अग्गू की दवाई। कॉन्स्टिपेशन कहाँ मिला आपको इसमें? पर आज तक यूज ही नहीं किया उसको। वो तो खाली है, जब से आया रखा हुआ है खाली पड़ी है। तो जब भाई कॉन्स्टिपेशन की है और भी है कुछ कॉन्स्टिपेशन का इसमें ठीक है। आफ्टर शेव उसने सामान चेक करे क्या क्या ला रही है। देखो परफ्यूम है सारा परफ्यूम ला रही है। पर्सन ट्रैवल्स में आप सबका स्वागत है। हर बार डोरबेल की आवाज आते ही कुछ जाने माने चेहरे आज घर के अंदर आएंगे और वही चीजें करेंगे जिनके लिए वो फेमस हैं और जाने जाते हैं। अब देखना है आपका कार्य ये होगा कि घर में ये लोग होंगे और आपके सामने कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसे पेश आना है जैसे कोई यहाँ है ही नहीं। ठीक है, ये भी मस्त है वैसे। अरे ये भी आ रहा है आज से बिग बॉस। बिग बॉस इसके हाथ से सब कुछ आ रहा है। बिग बॉस क्या कहा था बिग बॉस के यहाँ एक टास्क था कि जैसे बैल होती अंदर कोई और आएगा स्ट्रेंजर और वो अंदर आके कुछ ना कुछ करता है, एक्टिविटी करता रहेगा जिसमें वो फेमस है। सो उन्होंने कहा है कि जो भी आएगा ना आप लोगों को उसे इग्नोर करना है, आपको ऐसा दिखाना है कि वहाँ कोई भी नहीं है। और देखो ये एलविश क्या कर रहा है, दोबारा देखते हैं। अरे ये भी आ रहा है आज से। बिग बॉस इसके हाथ से सब कुछ आ रहा है। बिग बॉस आई चीज आ रही है। बिग बॉस तो नहीं चला जाएगा मेरे आज से। ओह माय गॉड बिग बॉस। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आज से सब क्या पंगा था। चलो नेक्स्ट सीन पे चलते हैं। कोई शौक नहीं है तेरे पास खाने का। आ जा चल ना, समझ रहे ना कहाँ पे तो मेरे मुंह पे बोलना। इधर इधर बैठेगा, जाते हुए पीछे मत बोलना। इधर बैठेगा नहीं बैठेगा, चल जा फिर। झगड़ा हो गया। देख लो ना सिस्टम, खटक मत यार। पुराना हो गया तुम्हारी बात। अलग है। अरे बाप रे बाप, अपना सब अपना अपना काम करो। अरे बाप रे बाप, सब अपने अपने काम करना सीखो भाई। इसके बाद फिर कर सुनो, अभी कट ये इसका नाम तो मैंने तोतली रख दिया, तो तोतली है ये। क्या हो जाएगा भाई? उदयगी उसको बस कुछ तो प्रॉब्लम है मुझसे भाई। मेरे को है ही, मेरे को खराटे से प्रॉब्लम है बस। किससे? खराटे से। और किसी चीज से नहीं है। नहीं सुनूंगी यार, नहीं है शौक मुझे। हाँ तो कल क्यों ना गई फिर पहली बारी में।
कि मेरे को सोना अकेले भाई, तुम हट जाना अविनाश के पास सो जाओ जाके। मैं क्यों सोऊंगा अविनाश के पास, मैं तो बेड पे सोऊंगा अपने। हाँ तो तुम्हारी ईगो भी है तो मैं क्या करूं। पॉइंट तो बढ़िया है उसके पास, ईगो है अविनाश के साथ सो सकता तू। जब सो रहे थे इतने टाइम से ईगो है ना मेरे अंदर, तो है ईगो। हाँ तो है तो है, तो मैं तो वही सोऊंगी फिर। कहाँ सोएगी? तो आप तुम दोनों साथ ही मेरी गैल सोने में ज्यादा मजा आ रहा है, कबूल कर ले मैं चीज को। मुझे तो नहीं आ रहा मेरे साथ सोने में, मुझे तो अविनाश का जाके सोना। तो तुम जा अविनाश के पास जाके सो। तो अविनाश बिल्ली भी आऊं करती है। सुनो मेरी बात, आशिका को कोई इंटरेस्ट नहीं आपके साथ सोने में, व्हिच इज फैक्ट। ये अपने पॉइंट से सही है। ऐसा आप सोए हो ना 3 दिन, मेरे को मजा नहीं आता। हां तो फिर मेरे को भी नहीं आता, मैं तो लड़की के पास लूंगा आज। हां ठीक है, जो छोरा आ रहा आज मेरे को रहियो मैं लग। मजा आ रहा तुम दोनों, वैसे तुम दोनों सो साथ, मैं भी सोऊंगा इसके साथ, मस्ती चल रही है। कोई नु कहता है कोई आज कथा की बात है। अरे आशिक, अरे आशिक को तो मेरे टक्के गर्ल है, मैंने पिछले चल रहा है बताओ बिग बॉस सोच तो ले फाइन। अरे मैं तेनु कहती है अभी तो आशिक का गर्ल होगा भाई, मैं तो डूब के मर जाऊं फिर कहीं। अच्छा तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगता यार, और ऊपर तक उसकी बात ना है, बॉडी तो है हम सबकी, मेल और फीमेल बॉडी तो है हम। क्या बॉडी बॉडी, कल से बॉडी बॉडी करे जा रहे हैं यार। तू आत्मा थोड़ी है बॉडी। मुझे चाहिए कोई सीधा साधा साधा, ये वाली बात है जिसको कोई ना जानता हो। है हमारे पीछे किराएदार रहे, उसने करवा दूं तेरी सेटिंग, उसने भी कोई ना जाने। तेरे समझ में नहीं आया पता है ये लड़की क्या कह रही है? ये कह रही है मुझे चाहिए कोई सीधा साधा लड़का जिसे कोई ना जानता हो। तो एलविश बताए क्या कह रहा है? एलविश कह रहा है हमारे पड़ोस में पीछे एक लड़का है, हमारे घर के पीछे एक किराएदार है, उससे कर ले तो सेटिंग, उसे भी कोई ना जानता। एलविश ने सही तो कहा था वैसे, एलविश का रिप्लाई तो अच्छा है, बनता है भाई ये रिप्लाई तो। चलो दोबारा देखते हैं। मुझे चाहिए कोई सीधा साधा साधारण लौंडा, लौंडा जिसको कोई ना जानता हो। हमारे पीछे किराएदार रहे, उसने करवा दूं तेरी सेटिंग, किराएदार से सेटिंग करा दे, उसने भी कोई ना जाना है। उसका बच्चा है, तीन एक बार हुआ, बेबू का बच्चा, बेबू का बच्चा कुछ आप ये बेवकूफ का बच्चा क्या होता है? तुम होते हो, समझ में नहीं आता तेरे को बेबी। मैं लेके चलना अपनी कॉफी भी बाहर बना, गला रूम में जाके कॉफी, बेबू का बच्चा साड़ा क्या है? बाप का बच्चा। अच्छा तुम्हें पता लग गया बेवकूफ ही है वो, देखो बोल रहे बेवकूफ का बच्चा, मैं तेरे को बोला कुछ तू भी बोल ले, पर तू है पर भाई तू डिओड्रेंट लगा के सोया कर। नहीं तो मतलब उसमें क्या था, क्यों लगाता आदमी डिओड्रेंट? भाई तुम यहाँ रख के मुंह सोते हो मेरे। नहीं वो ये कह रहा है तू डिओड्रेंट लगाया कर, तू थोड़ा परफ्यूम वगैरह लगाया कर। तो कह रहा क्यों तू मेरे यहाँ मुंह रख के सोता है? और ध्यान से सुन, क्या था, क्यों लगाता आदमी डिओड्रेंट? भाई तुम यहाँ रख के मुंह सोते हो मेरे। नहीं तुम यूं रख के सोते हो तो तुम ऐसे आके सुनते हो? यही नहीं अभी और सुनिए। नहीं वो इतनी है कि रखने की जरूरत भी नहीं है। चलो ये भी ठीक है। हाँ भाई तुम नाक बंद करके सोया करो यार। फिर क्या करते हो आप? मैं एक्टर हूँ। स्ट्रेच कर कमर में, कमर अंदर और पैर अंदर करके स्ट्रेच कर। आया कोई स्ट्रेच पेट में? वो कमर में आएगा होगा, अब ये करके दिखाएगा। थोड़ा भी रहा स्ट्रेच। अरे क्या क्या है इसमें, मैं तो लेटने वाले से शुरू करता हूँ। ओए आ जा तू भी कराया तो। अब चुप रहना सारे, सर्जरी वर्जरी वाली चीज मतलब। अरे मैं स्ट्रेस तो आना रहा कहीं क्या आएगा? Oh.
अबे क्रोपोज आवे तेरे क्रोपोज मुझे आवे तो देखा क्रोपोज देखो ब्रिज कोशिश तो कर रही हूँ 1 2 3 ए ये मेरे पैंट चीखनी चाहिए क्या शोल्डर स्टैंड पोज हाय तो इजी है क्या शोल्डर स्टैंड पोज मेरे पे वो ना यार मेरे में योगा पैंट्स तो मैं योगा कैसे करूँ अबे एक ये वाले योगा तो है भी नहीं इसमें खुद कर रही है तो अपने कहीं और तो गाइस हमने तो वीडियो में बहुत एंजॉय किया एल्विश ने काफी एंजॉय कराया सभी को सो मेन कैरेक्टर तो एल्विश ही है श्रीमन भी वोट करता है एल्विश के लिए आप लोगों ने भी बिग बॉस को जरूर एंजॉय किया होगा हमने भी एंजॉय किया हम भी देख रहे हैं आप लोग भी देखो एक्चुअली सो इसी के साथ हम अपने व्लॉग का करते हैं एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय टू ऑल टेक केयर प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब बाय 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 बाय